हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट वीज़ास, यूके स्टूडेंट वीज़ा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट वीज़ा के बारे में जितनी इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट वीज़ा हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है यूके का स्टूडेंट वीज़ा? यूके का स्टूडेंट वीज़ा कोई भी बंदा जो 16 की एज से ऊपर है वो ये स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अब इसमें डिफरेंट तरह की कैटेगरी हैं, डिफरेंट टाइमिंग है, डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको सारे इसमें एक्सप्लेन करूं, और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में भेजिएगा। मैं आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। जी, सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए जी कि आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए। जेएनसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी भी अदारे के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से स्पॉन्सर होना चाहिए कि वो ये वीज़ा ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद ये होना चाहिए कि आपके पास काफ़ी पैसे हैं आपके बैंक में जो आप इधर इस्तेमाल में लाएंगे और कोर्स की फ़ीस पे करेंगे। आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। अब वो कोर्स के पैसे कितने होते हैं ये भी आपके कोर्स पर डिपेंड करेगा। अगर तो डिग्री कोर्स है उस पर ज़्यादा पैसे लगेंगे, अगर कोई इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज कोर्स है या और कोई 6 महीने या छोटा कोर्स है तो उसकी कॉस्ट कम होगी। ये सारी यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करेंगे उनके डिफरेंट फ़ी होती है, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं पैसों के हिसाब से। अगर लंदन में अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा होंगे, इसी तरह किसी और शहर में लंकाशायर या ब्रेडफोर्ड में करते हैं या बर्मिंघम में तो हो सकता है थोड़े कम हों। तो उसके बाद एक जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है कि जो आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो अगर आपकी उम्र 16 या 17 साल है तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से इजाज़तनामा भी चाहिए होगा कि आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और ये आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे ये उसी सूरत में है कि अगर आपकी उम्र 16 या 17 साल है। अगर आप 18 साल या उससे ज़्यादा हैं और डिग्री या किसी और कोर्स के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको ये कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा जी प्रीवियसली इसको कहते थे ये Tier 4 जनरल स्टूडेंट वीज़ा, अब नाउ इन्होंने इसको चेंज करके सिंपल स्टूडेंट वीज़े का नाम दे दिया। अब जी दोस्त पूछते हैं या स्टूडेंट्स और जो दूसरे मुल्कों से हैं, कोई दफ़ा मेरा भी इतफाक़ होता है जाने का, तो पूछते हैं जी हम अप्लाई कब करें। इसमें जो दो चीज़ें हैं, अगर तो आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब से आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या किसी और मुल्क के बाहर से कर रहे हैं, कम से कम आपको 6 माह पहले उस कोर्स से ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और ये नॉर्मली इसको कोई 3 से 4 हफ्ते में ये डिसाइड कर देते हैं अगर आपकी अप्लीकेशन सक्सेसफुल है या नहीं। और इसी तरह कुछ लोग ऑलरेडी इधर आए होते हैं, यूके में आए होते हैं, जिनका स्टूडेंट वीज़ा है और वो आगे रीअप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टडी को कैरी ऑन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 3 माह का टाइम होता है। वो 3 माह कोर्स, नया कोर्स शुरू होने से पहले 3 माह तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर वाले जो हैं वो उनको तकरीबन वो डिसाइड 2 माह में करते हैं, तो इसलिए 3 माह जब आपका वीज़ा ख़त्म कर हो रहा हो और कोर्स ख़त्म कर रहा हो तो 3 माह पहले आप अप्लाई करें। देन यू विल बी इन गुड टाइम बिफोर योर नेक्स्ट एक्सटेंशन और आपका नेक्स्ट कोर्स जो शुरू होता है। अच्छा, आप क्वेश्चन आता है जी कि मैं इसमें हम स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में कितनी देर रह सकते हैं। इट डिपेंड्स अगेन कि यही आप कौन से कोर्स पर आ रहे हैं, कौन से आपका लेवल है। अगर आप समझिए या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने आ रहे हैं या डिग्री करने आ रहे हैं तो आपको 5 साल तक का वीज़ा भी मिल सकता है। और अगर आप डिग्री लेवल से बिलो है, समझे लाइक ए लेवल है या और कोई एडिशनल कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो इस यूजली स्टे इज़ लाइक अप टू 2 ईयर्स। 2 साल तक आप फिर भी स्टे कर सकते हैं। इवन आप अगर आप
पहला वीज़ा 6 माह का लेकर आए हैं या 9 मंथ का कोर्स का वीज़ा है तो उसको कैरी ऑन मज़ीद आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं, आपके पास पैसे हैं और आप सारी वो द फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। सो ये कब ट्रैवल कर सकते हैं, एक दफ़ा वीज़ा हो जाए तो, अगर आपका कोर्स कोई 6 माह का है या और उससे छोटा कोर्स है तो आप 1 हफ़्ता पहले तक यूके में आ सकते हैं, और अगर आपका कोर्स डिग्री लेवल का है या तो फिर आप 1 महीना पहले भी आ सकते हैं, जो आप आके अपनी अकोमोडेशन वगैरह या और अपने जो अपने मामला देखने हैं तो वो कर सकते हैं। आपको जब आपका वीज़ा लगेगा तो आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट के बाद आप एनी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, तो जब वो आपको वीज़ा दे देते हैं आपको डेट भी वो क्लैरिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आप एनी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बस जनरली ऐसे है कि जो 6 माह तक के कोर्स हैं वो 1 हफ़्ता पहले अलाउड हैं, और जो डिग्री लेवल के कोर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट या हायर लेवल डॉक्टरेट तो वो फिर 1 माह पहले तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक अगला सवाल इससे रिलेटेड आ जाता है कि जी इसकी फ़ीस कितनी होगी, हम जो इसकी अप्लाई कर रहे हैं ये स्टूडेंट वीज़े की फ़ीस कितनी होती है। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप यूके के बाहर से कर रहे हैं तो ये आज की डेट में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सो ये 348 pounds, सो 348 pounds ये अगर आप यूके के बाहर से ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो अगर आप यूके में हैं तो उस वीज़े को एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, आज के रेट में 475 pounds है। सो आप जिस कंट्री से ट्रैवल करें आप इनको देख के उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके मुल्क से ये कन्वर्जन करके कितने पैसे बनते हैं। दो तरह है, अगर तो आप अपनी लाइन ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप अपना कार्ड यूज़ करके तो पैसे ये जमा करवा सकते हैं, और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो उन्होंने नॉर्मली ये अकाउंट बनाए होते हैं, आप उनको पैसे देंगे और वो आपके पैसे जमा करवा देंगे। तो पहले आपकी ये एप्लीकेशन फ़ीस जमा होगी तो फिर आपका स्टडी वीज़ा आगे प्रोसेस होगा। इसके बाद ये है कि इसके आपको हेल्थ केयर सरचार्ज उसको कहते हैं कि वो भी पैसे जमा करवाने होंगे, और वो कितने हैं वो इस वीडियो में आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर आप लंदन में जा रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री वगैरह करने के लिए, वहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग मोर देन अदर प्लेसेस इन यूके, वहाँ पे ज़्यादा है तो उधर की कॉस्ट आपको ज़्यादा होगी। अगर इसी तरह आप किसी और यॉर्कशायर में आ जाते हैं या किसी और इलाके में लंदन की बजाय जाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉस्ट कम होगी। ये भी आपको वीज़े के साथ जाओ जो जब आपको यूनिवर्सिटी कोई ऑफ़र करेगी या जहाँ पे आप कोर्स कर रहे हैं तो वो आपको उसी टाइम वो बता देंगे कि ये आपको कितने पैसे खर्च होंगे। अच्छा जी, जब वीज़ा हो जाता है तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जी वो कहते हैं जी हम अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं तो काम कर सकते हैं। सो इसका सिंपल क्वेश्चन है जी नहीं, क्योंकि आपको इजाज़त नहीं होती है, स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा होता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं जहाँ आपका कोर्स पार्ट टाइम है या आपका आपको यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी हुई है कि आप एक्स्ट्रा काम या गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त उस कोर्स के साथ है कि आप 10 घंटे हफ्ते में या 15 या 16 घंटे काम कर सकते हैं, तो वो फिर आप उस इजाज़त की बेस पे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकते, आप किसी को कोच या किसी को ट्रेनिंग वगैरह नहीं दे सकते, आप किसी फंडेड जो स्कूल होते हैं कि जहाँ पे फंड्स वगैरह मिलते हैं और जी वो कहते हैं कि हमारे पास मनी नहीं है तो हम आगे पढ़ना चाहते हैं, आपको किसी ऐसे स्कूल में वो ऑफ़र नहीं करेंगे, ना आपको दाखिला मिलेगा। सो ये सारी बातें जहन में रख के करें, क्योंकि काफ़ी लोग ये ऐसे सोचते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा ये स्टूडेंट वीज़ा पे उसके बाद मैं काम करना शुरू कर दूँगा, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सूरत हाल ऐसी हो सकती है इफ़ यू आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड, अगर आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में अपनी स्टडी में, उसी कॉलेज में उसी यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिल सकती है, स्टूडेंट यूनियन के साथ आपको काम करने की इजाज़त मिल सकती है, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो आप उस वक्त आप कॉलेज आपके ऊपर नज़र भी रख सकता है और वो उनको होम ऑफिस को बताना भी आसानी रहती है कि ये यूनियन के साथ स्टूडेंट यूनियन के साथ इतने घंटे हफ्ते में काम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं होता।
लेकिन वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम वो जॉब अवेलेबल है या आपके लिए हो रही है या नहीं। तो ये सारी बातें जेन में रखें। ये जो पैसे मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ पैसे हैं जो एप्लीकेशन की फ़ीस है, जो आपकी लिविंग कॉस्ट है इधर और जो आपके कोर्स की फ़ीस होगी वो टोटली डिफरेंट है। वो डिपेंड करता है जब आप अप्लाई करते हैं और कौन से शहर में कौन सी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ब्रेडफोर्ड में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्स की प्राइस हो 5,000 पाउंड। मैं मिसाल की बात कर रहा हूँ, आपके ये आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा। सो वही कोर्स अगर आप लंदन में अप्लाई कर रहे हैं हो सकता है 10,000 पाउंड, वही आप बर्मिंगम में अप्लाई करें हो सकता है 7,000 पाउंड। तो इसी तरह आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप वहाँ रहेंगे तो वो उनके हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा और उसी हिसाब से वो आपको फिर बताते हैं कि आपके पास इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। तो यस, मेरे हिसाब से इसके लिए इतना ही। अगली अगली मैं वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपके साथ फैमिली डिपेंडेंट हैं और आप स्टूडेंट वीज़ा पे एज अ फैमिली सारे आना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और उसमें कितने कितना खर्चा होगा। यो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग और एनी मोर क्लैरिफिकेशन, किसी चीज़ की और ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट करें एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। एंड आई होप ऑल यू हैव अ गुड लाइफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।